सीक्रेट रिवील करूं, बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाएगा। दुनिया कहती है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, मेक श्योर यू वर्क हार्ड, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। ऑफ कोर्स देयर इज एन अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, लक। हार्ड वर्क की औकात ना धेले भर की नहीं होती। दुनिया के जितने भी ऑनेस्ट सक्सेसफुल लोग हैं ना, सबने ये बात बोली है कि हम हार्ड वर्क के कारण नहीं, लक के कारण सक्सेसफुल हुए। हार्ड वर्क तो पूरी दुनिया करती है, हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। किस्मत और बदकिस्मत आदमी में यही फर्क होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आप खुद चलाते हो, सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो आपको चलाता है। मेरे को एक बात बताओ, आपके जिंदा रहने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बोलो कौन करते हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, कैसे हो रहा है? अपने आप हो रहा है। अगर आपको कोई चोट आ जाए तो कैसे ठीक होती है? अपने आप होती है। कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपके कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज्यादा पावरफुल है। उसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि उसको ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो इंस्ट्रक्शन कॉन्शियस माइंड ही भेजता है। तो आप जो भी चीज में मान लेते हो ना वही सच होता है। इसलिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग कहते हैं हमको पहले से पता था हम सक्सेसफुल है, अभी हुए हम लोग, लेकिन जानते बहुत पहले से। बिलीव अगर आप कर सको ना तो वो सच हो।